वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 करके देखेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने। अभी तक जो रैशनल नंबर हम सुन रहे हैं क्या होते हैं रैशनल नंबर, तो जितने भी नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये सारे रैशनल नंबर होंगे। ये पॉजिटिव या नेगेटिव में भी हो सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या ये 2 जो है ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये बिल्कुल इनकी तरह नहीं दिख रहे। तो फिर क्या कर सकते हैं कि इनकी तरह दिखते हैं? तो इनके नीचे क्या दिखता है हमें? डेनोमिनेटर। पर इनके नीचे हमें डेनोमिनेटर नहीं दिखता। तो मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। और भगवान क्या है? 1 है। तो इसमें भगवान कौन है? 1। तो डेनोमिनेटर में सबके नीचे 1 होता है पर हमें दिखता नहीं है। मतलब हम बचपन से जितनी काउंटिंग अब तक सीखते आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबके नीचे 1 है, ठीक है? पर हमें अभी तक पता नहीं था। तो सबके नीचे 1 होता है, बस हम उसको शो नहीं करते। हम उसको एज अ 4 ही दिखाते हैं, एज अ 2 दिखाते हैं, एज अ 3 दिखाते हैं। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो 0 से -1, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नंबर लाइन ध्यान है तो बीच में 0 आता है और उसके बाद जो जस्ट नंबर आता है वो -1 आता है। तो इन दोनों के बीच में हम 5 नंबर कहाँ से निकालेंगे, उसी की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जब भी ये बोले 5 रैशनल नंबर निकालने हैं या 4 निकालने हैं तो हम एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तब इन्होंने 5 बोला तो हम कितने लेके चलेंगे? +1। टोटल हम 6 लेके चलेंगे। तो जैसे बात की थी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, उसी तरह 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब ये जो 6 था इसका काम अब आएगा, हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 6 × 1 = 6 और ये हो गया -6। इधर हम करेंगे 6 से ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं? जैसे दो भाई होते हैं, दो भाइयों में से अगर हम एक को टॉफ़ी दें और दूसरे को ना दें तो गलत बात होगी ना, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो हमें दोनों को देनी पड़ेगी। अगर नीचे 6 से गया तो ऊपर भी 6 से ही करेंगे। तो 6 × 1 = 6 और 0 × 6 = 0। तो अब इनके बीच के 5 नंबर हमें ढूंढने हैं, जो बहुत ईजी है। तो जैसे 0 से 6 के बीच में कौन सा चलेगा? एक चलेगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। तो ये सारे के सारे आपके आंसर हैं। ये जो आंसर हैं आपके पीछे से मैच नहीं करेंगे तो उसके लिए फिक्र मत कीजिएगा, ये तरीका बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर डिफर आना बड़ी आम बात है, ठीक है? कभी मैच होंगे कभी नहीं होंगे, तो उतना मत सोचिए, इनको निकाल दीजिए। वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, है ना? तो जैसे मान लो अगर वो आपको बोले 50 से 100 के बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं, तो 50 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, 51, 52, 53, 54, वो भी सही होगा। आप कोई 71, 72, 73, 74 ले तो वो भी उसका आंसर गलत नहीं होगा, उसका आंसर सही होगा। तो बेसिक ये तरीका है कि जितने भी वो नंबर बोले उसमें +1 लेके हम 6 बना लें, अगर 3 बोलें तो +1 लेके 4 बना लें और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये तरीका आपका हर क्लास में काम आएगा और हर बार एक्यूरेट होगा, कभी गलत नहीं होगा। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के। अब इसमें बोला -2 और -1 के बीच के 5 डिजिट निकालने हैं। सेम वही तरीका, इनको पहले न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में बना लेते हैं। सबके नीचे 1, 1, इसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है। तो हमने निकाला था कि क्या हमें अगर 5 बोले तो 6 लेके चलना है, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 × 6 = 12 और 6 और ये हो गया -6 अपॉन में 6। इनके बीच के आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, बहुत आसान है। 6 से 12 के साथ तक चले जाइए। पहला हो गया -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और वो 12 तो वो छठा नंबर हो जाएगा, तो हमें 5 चाहिए थे, तो हमारे 5 आंसर हो गए। थर्ड पार्ट में हमें ये फ्रैक्शंस में दे दिए, -4/5, -2/3। तो हम इनको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इनके डेनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे जो पहले दो पार्ट थे उन सब में 1, 1 हम लगा रहे थे, तो सबके डेनोमिनेटर सेम थे, डायरेक्ट हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और आंसर ले लिया। पर इसमें क्या है, डेनोमिनेटर अलग है। तो सबसे पहले हमें इनके डेनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे इनके डेनोमिनेटर्स का। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, ऐसे तो 15 होगा, पर हम करके दिखाते हैं आपको। तो
तो हमारा एलसीएम आ गया 15। अब हमें इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 15 बनाना है, तो पहले एक को लेते हैं -4/5, 15 नीचे बनाना है। उसी तरह से -2/3, 15 नीचे बनाना है। अब 5 से 15 कैसे बन सकता है? 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो जब हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी उसी से करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जिससे नीचे क्या उससे ही ऊपर। तो ऊपर होगा कितना? 4 3 12 12/15। अब 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 पे आता है। अब नीचे 5 से गया तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो 2 5 10। तो एक आ गया 12/15, आगे का 10/15। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं? सिर्फ एक आ रहा है अभी फिलहाल, कौन सा? -11/15। पर हमें 5 निकालने हैं, तो सेम वही तरीका पुराने वाला। पर अब जो हमारे नंबर हो गए वो क्या हो गए? एक हो गया -12/15 और एक हो गया -10/15। क्या करेंगे? 6, ये वाला जो 6 था इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, अगर एक के साथ किया था दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो 12 6 72, 15 6 90, 15 6 90, 10 6 60। अब इन दोनों के बीच के 5 नंबर आराम से निकल जाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? -61/90, दूसरा 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 माइनस का, ठीक है। आप चाहो तो इसके आगे भी स्टार्ट कर सकते हो, 66 से स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं इनके बीच में, 60 से 72 के बीच में कोई भी चूज कर सकते हो। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, इसमें भी जो डिनोमिनेटर्स हैं अलग अलग हैं, 2 एंड 3। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। तो अब दोनों के नीचे 6 बनाना है। अब 3 से 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, अब नीचे गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 से 6 बनाने के लिए नीचे 3 से गया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया -3/6 और ये हो गया 4/6। तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, एक बार चेक कर लेते हैं कि इनके बीच में 5 नंबर आ रहे हैं। अगर इनके बीच में 5 नहीं आ रहे हैं तो वही फिर 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पर पहले चेक कर लेते हैं। तो -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 के बाद आ गया -2/6, -1/6 और 1/6 और 2/6, 3/6, कितने आ रहे हैं? पूरे 5 नंबर आ रहे हैं। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, जब उनके बीच में उतने नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहे हैं, आइए करते हैं सॉल्व। इसमें बोला है इनको 4 रैशनल नंबर और निकालने हैं, 4 मोर रैशनल नंबर, और साथ में बोला ये पैटर्न्स में। पहले पैटर्न्स का पता लगाते हैं, पैटर्न क्या है? नीचे आपको देख के क्या पता चल रहा है? ये नीचे 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20, ऊपर 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9 12। तो इसी को आगे फॉलो करेंगे। 4 नंबर मांगे थे, चारों नेगेटिव में मांगे थे, ऊपर 3 का टेबल, 12 के बाद 15 18 21 24, नीचे 5 का टेबल, 20 तक हो गया था, उसके आगे 25 30 35 और 40। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन सेकंड के 4 नंबर बोले, तो 4 वो लगा देंगे। अब ध्यान देंगे क्या पैटर्न क्या है, तो नीचे चल रहा है 4 का टेबल, तो नीचे 4 का टेबल बनाएंगे, 12 तक तो हो ही गया हमारे पास, उसके बाद 16 20 24 और 28। ऊपर नॉर्मल काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये सब नेगेटिव में, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोला? 1/6 2/12 3/18 4/24। अब इन्होंने क्या है, ध्यान हटाने के लिए क्या था, पहले माइनस न्यूमरेटर में लेके चल रहे थे, फिर माइनस के साइन को डेनोमिनेटर में लेके चल रहे हैं, उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेके चलते रहेंगे। अब इन्होंने डेनोमिनेटर में स्टार्ट कर दिया तो हम भी आगे डेनोमिनेटर में ले लेंगे, और हम सबसे पहले 4 बार बना लेंगे, 4 रैशनल नंबर निकाल लें। नीचे चल रहा है 6 का टेबल, 24 तक ये पहुँच गए हैं, उसके आगे चलते हैं, 6 4 24 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ऊपर चल रही है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डेनोमिनेटर में नेगेटिव, तो डेनोमिनेटर में नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले 4 बार बनाएंगे। इसमें भी इन्होंने क्या, डेनोमिनेटर को नीचे ले लिया, तो नीचे डाल देते हैं,
नीचे क्या चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, 3, 6, 9, तो 9 के बाद 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, नीचे का हो गया हमारा। ऊपर कर लेते हैं, ऊपर 2 का टेबल चल रहा है, 2, 4, 6, तो 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 2, 7, 14, आंसर हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 3 में क्या बोला हमें निकालना है, 4 ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट की बात करते हैं कि इक्विवेलेंट नंबर्स होते क्या हैं। जैसे हम लेते हैं 1/2, इसके दूसरे इक्विवेलेंट नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे 50/100 इक्विवेलेंट हो सकता है। कैसे, तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसके, 50 के में, 50 बन जा 50, 50 2 जा 100। तो देखा आपने, ये 1/2 सेम हो गया। तो ऐसे रैशनल नंबर जो दिखने में तो अलग हों पर अगर उनको कट करें, सॉल्व करें, तो हमें दोनों सेम नंबर मिल जाए, उनको कहते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स। तो हमें 2/7 के भी इक्विवेलेंट नंबर चाहिए नेगेटिव वाले, तो हम क्या करते हैं, माइनस कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो इसको 4 बार लिख देते हैं। तो अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो एक से गया तो दूसरे से भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले 1 चूज करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा, तो 1 को छोड़ के 2 से करके देखते हैं एक बार, ऊपर नीचे 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, और इसमें 5 से। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 जा 4, 7 2 जा 40, ये कितना हो गया, 21 और 6, ये कितना हो गया, 28 और 8, ये 35 और 10। तो ये 4 नंबर आ गए जो हमारे बिल्कुल इक्विवेलेंट होंगे, तो ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में दिया हमें 5/-3, तो वही इसको 4 बार लिख लेते हैं। क्या बताया था, नंबरों से मल्टीप्लाई करना, कौन से कौन से, अगर 2 से कर रहे हैं तो 1 में 2 से, 1 में 3 से, 1 में 4 से, और 1 में 5 से, जो नंबर मिलेंगे वही आंसर होते जाएंगे हमारे। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 4 हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, इसमें दिया 4/9, वैसे तो अब तक आप निकालना सीख गए हो, फिर भी आपको करके दिखाते हैं। तो आपको पहले 4/9 को 4 बार लिखना है, स्टार्ट करना मल्टीप्लाई करने से, एक बार 2 2 से, एक बार 3 3 से, एक बार 4 4 से, और 5 5 से, और आंसर मिलते चले जाएंगे। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, 4 आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या बोला, ड्रॉ द नंबर लाइन, नंबर लाइन बनानी है और रैशनल नंबर हमें दे रखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखिएगा ज़रा। सबसे पहले ये पॉजिटिव में दिया है, तो हमें 0 से ले स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा, कितना जाएंगे वो भी बात करते हैं। इन्होंने डिनोमिनेटर में दिया 4, तो सबसे पहले आप 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4, तो जो ये 4th लाइन होगी ये हमारा 1 हो जाएगा। अब फिर से अगर आगे जाना हो तो 1 2 3 4th, ये हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह से आगे कर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऊपर अब इन्होंने दिया 3, तो 1 2 3 3 आपका यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस वाले मार्क पे 3/4, फिनिश। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में दिया -5/8, नेगेटिव में, तो इस बार जो 0 आएगा वो हमारा इस तरफ आएगा, और कितने नंबर हैं नीचे डिनोमिनेटर में, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा -1। अब इन्होंने न्यूमरेटर में कितना दिया, 5, 1 2 3 4 5, तो ये मार्किंग हो जाएगी हमारी -5/8। थर्ड पार्ट में क्या बोला आपको, -7/4 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, और ये नेगेटिव में है, तो 0 आपके राइट साइड आएगा, नीचे कितना है 4, ऊपर 7 है, उससे बड़ा है, तो थोड़ा सा आगे तक जाएंगे,
तो डेनोमिनेटर 4, तो नीचे 4 लाइन 1 2 3 4, ये हो गया हमारा माइनस 1। फिर से 4 पे जाएंगे 1 2 3 4, ये माइनस 2। थोड़ा सा और चले जाते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा माइनस 3। अब न्यूमिनेटर में 7 दिया था इन्होंने, तो 7 तक जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लाई गया तो ये हो गया हमारा माइनस 7/4। फोर्थ पार्ट में दिया हमें 7/8। फोर्थ पार्ट को मेरे करने से पहले एक बार आप खुद करके देखिए, वीडियो को यहाँ तक पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 7/8। पॉजिटिव में तो 0 आपका लेफ्ट साइड आएगा, नीचे डेनोमीटर में 8 दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 1। और डेनोमीटर से छोटा है तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली मार्किंग होगी हमारी 7/8। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं PQRSTU, ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TRS and RS and SU, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, और AP PQ QB ये भी बराबर है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इनके जो बीच में ये क्वार्ट्स हैं ये सारे के सारे बराबर हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं जिनको, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है PQRS की, U और T की मालूम है, इधर A और B की मालूम है, और इनके बीच में सिर्फ ये दो आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि अगर दो काउंट करते हैं इसके बाद से तो 1 2 3, तो अपॉन में तो 3 चलेगा। जैसे अगर हम S की बात करें, S के अपॉन में कितना चलेगा, 3 चलेगा। न्यूमरेटर में कितना आएगा, और ये नेगेटिव में तो नेगेटिव का आएगा, न्यूमरेटर में कितना आएगा उसकी बात करते हैं, तो 0 से जब इनके बीच में दो हैं तो इनके बीच में भी दो होंगे, उसी तरह से इनके बीच में दो हैं तो इनके बीच में भी दो होंगे, और इनके बीच में भी दो होंगे, तो काउंट कर लेते हैं, 0 हमारा ये था, तो 1 2 3 4 5, जो S है वो फिफ्थ कॉर्ड पर आ रहा है, तो इसका हो जाएगा -5/3। R जो है उससे जस्ट पहले आ रहा है, तो R हो जाएगा -4/3। अब P की बात करते हैं, बीच में तो इनके भी वही 2 हैं, तो P की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी अपॉन में 3 होगी। P कहाँ पे लाई कर रहा है उसको काउंट करते हैं 0 के बाद से, 1 2 3 4 5 6 7, तो P हो जाएगा 7/3। और Q की बात करें तो Q के अपॉन में भी 3 चलेगा, Q उसके जस्ट बाद है, तो ये हो जाएगा 8/3। तो ये आपके 4 आंसर हो गए।